सरकार से अपील यही करेंगे, यहाँ काम बहुत बढ़िया चल रहा है, इसी तरह चलना पहले की तरह चलना चाहिए। समाज को जरूरत है लगता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जरूरत सर है। क्या नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हैं, डेरा सच्चा सौदा के बारे में आखिर उनका क्या मानना है जानते हैं लोगों से सीधी बात। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? सुभाष चंद्र जी। सर डेरे से जुड़े? हाँ जी, हाँ जी। सर क्या करते हैं आप? मैं सर्विस करता हूँ जी। सर आप सर्विस करते हो, डेरे से जुड़े हो? हाँ जी। कब से, मतलब कितना समय हो गया और क्या माहौल रहा है? 30 साल से ऊपर हो गया जी यहाँ आते हुए। सर 30 साल से ऊपर हो गया, कैसा माहौल देखा आपने? माहौल यहाँ बहुत अच्छा है, हम तो अब भी आते जाते रहते हैं, छुट्टी वाले दिन आज भी आए हुए हैं। आज ऑफिस में छुट्टी थी तो यहाँ हमें आके बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून मिलता है यहाँ आकर। सर मीडिया चैनलों पर इतना कुछ दिखाया गया, क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमें तो उस बारे में कोई विश्वास नहीं है। लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के जो भलाई के कार्य देखते हैं, जिस तरह भाई खूनदान है और लोगों के घने भलाई के काम होते रहते हैं, हमें तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। सर आप कहते हो कि अच्छा लगता है आपको, मगर वहीं दूसरी तरफ यहाँ की महिलाओं के बारे में आपने देखा होगा क्या कुछ दिखाया गया, गुरुजी पे एलिगेशंस लगाए गए, आखिर क्या मानना है आपका? नहीं, महिलाओं का तो पूरा यहाँ इज्जत होती है, सुरक्षा है? हाँ पूरी आपके सुरक्षा घर से महिलाएं आती हैं? बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर, 30 साल से हमारे सारे परिवार जुड़े हुए हैं। अब ये तो झूठे आरोप हो सकते हैं, लेकिन हमें तो इस चीजों के ऊपर कोई विश्वास नहीं है जी। सर गुरुजी ने समाज भलाई के लिए लगता है कुछ कार्य करे, योगदान दिया है समाज के लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्या योगदान रहा है सर? ये सफाई का अभियान कितना चला है, मतलब कई देशों तक इनकी पूछ है, पंजाब हरियाणा राजस्थान को कितने मतलब सफाई अभियान चलाए हैं, खूनदान है, ब्लड बैंक खुले हुए हैं या डेरे में जो लोग गरीब हैं उनका मतलब फ्री इलाज होता है जी। सर इतना सारा मानवता भलाई की गुरुजी ने कार्य दिखाए हैं, मगर मीडिया चैनलों पर इसकी खबर क्यों नहीं? दूसरे चैनल वाले दिखाते ही नहीं है ये खबरें, दूसरी खबरें तो दिखा देते हैं। सर क्या अपील, क्या चाहते हो, आपको लगता है कि ये खबर आनी चाहिए हमारे देश के? बिल्कुल आनी चाहिए हमारे, बिल्कुल आनी चाहिए। सर ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स के बारे में जानते हो? हाँ, ग्रीन एस कैसी फोर्स है? वो तो मतलब जहाँ कहीं भी विपदा आती है, जिस तरह बाढ़ है, कई बार भूकंप आ जाते हैं और भी कोई सड़क पे मरीज पड़ा है, और वो मतलब पूरी हेल्प करते हैं, यूं नहीं अभी देख के अपना चले गए, उसको हॉस्पिटल में पहुँचवाना, जितने भी मतलब जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं उनको हर तरह से उनको फैसिलिटी देते हैं। सर आप कह रहे हो कि गुरुजी ने इतने मानवता भलाई के कार्य करे हैं, मगर जब बात आती है कि मेडल्स वगैरह कुछ मिले हैं गुरुजी को इसके लिए? हम मेडल मिले हुए हैं, वो एक बार वो अमेरिका से भी आए थे यहाँ। सर वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह? हाँ जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे कई, इनको सर वैश्यवृत्ति को रोकने के लिए कुछ किया है गुरुजी? हाँ, ये वैश्यवृत्ति के लिए वो काफी यहाँ शादियाँ भी करवाई हैं जो वहाँ। सर कौन करता है आखिर शादियाँ वैश्याओं से? जो भक्त योद्धा होते हैं ना वही करते हैं, भक्त योद्धा जो है गुरुजी के हाँ गुरुजी के आदेश के ऊपर वो। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से अपील यही करेंगे, यहाँ काम बहुत बढ़िया चल रहा है, इसी तरह चलना पहले की तरह चलना चाहिए। समाज को जरूरत है लगता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जरूरत है। सर क्या लगता है समाज को सजा मिली है या फिर एक संत को? समाज को ही है, पहले ये है लोग शराब पीते थे और कई बुरे काम करते थे, अब कई पीछे हट गए इस मामले में, लेकिन दोबारा अगर ये शुरू होता है तो लोग काफ़ी जुड़ेंगे और ये समाज तो काफ़ी सुधरेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने सुना कि समाज को सजा मिली है ना कि संत को, क्योंकि हाँ गुरुजी ने इतने अच्छे कार्य करे, हाँ, अच्छे कार्य पहले करे हैं और इतने सारे उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी यहाँ आप जाके देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। साथ ही आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत